अजीत बताइए, बाजार तो पूरी तरह से तेजी के मूड में हैं। आप तेजी के ही खिलाड़ी दो हैं या फिर कुछ मंदी के भी कॉल हैं? नहीं, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड की है अभिषेक, और जिस तरीके से मार्केट में आज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफी लंबे टाइम बाद आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ दिख रही है फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो सस्टेन भी कर रही है। तो हम मिड कैप आईटी में से अगर आप एम्फेसिस को देखेंगे तो एक अच्छा रिकवरी दिखाई है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इनिशियल रिकवरी है, ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है इसने। तो मुझे लगता है कि 2210 तक के लेवल आपको जल्दी दिखने चाहिए, यहाँ पे आप 2070 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी टाइटन पे होगी, यहाँ पे भी देखिए एक नॉर्मल कंसोलिडेशन हुआ है रिकॉर्ड हाईस के पास, और आज भी दिन के अभी तक इसमें कुछ खास मूवमेंट देखने को मिली नहीं है, बट मुझे लगता है कि बाय सेकेंड हाफ आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है टाइटन में। तो यहाँ पे आप 2670 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर सकते हैं 2580 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, दो दमदार ट्रेडिंग की रणनीति अजीत की तरफ से, एम्फेसिस और टाइटन, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, आपको फायदा होगा। लेकिन अजीत, एक काम करते हैं, फटाफट कुछ ऐसे स्टॉक से चर्चा कर लेते हैं आपसे। बहुत ही क्रिस्प आंसर में चाहूँगा आप, जहाँ पर आज खबरों का एक्शन है। शुरुआत करेंगे मैक्रो टेक के साथ। कलेक्शन इनका 24% बढ़ के 2375 करोड़ रुपये पर हो गया है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो। और प्री सेल्स में भी 57% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। मैक्रोटेक 1% ऊपर है, यहाँ से क्या राय है आपकी? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरे हिसाब से सडन राइज मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है तो। जब तक 1050 ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड अभी भी साइडवेज में नेगेटिव ही है। ठीक है, 1050 के बाद इसमें ट्रेंड चेंज होगा मैक्रोटेक में। लेकिन ग्लेनमार्क भारत में, इन्होंने एक दवा लॉन्च की है जिसका इस्तेमाल होता है टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक्स हम देख रहे हैं कुछ कुछ हरकत में आ रहे हैं। हालांकि देखिए, आज बाजार चढ़ा हुआ, लेकिन एफएमसीजी और फार्मा ही आज थोड़े से कमजोरी दिखा रहे हैं। ग्लेनमार्क गिरावट पर खरीदें क्या इसको? आप बिल्कुल खरीदना चाहिए, और इनफैक्ट अभिषेक यहाँ पे कि एक लंबे रिवर्सल की एंटिसिपेशन है फार्मा स्पेस में। जो टॉप परफॉर्मर है वो सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, सिप्लाई है, बट यहाँ पे जो दूसरे सेकंड रैंक स्टॉक्स में वहां पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ग्लेनमार्क में अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो मुझे लगता है 410 के ऊपर करीब 425 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 385 के स्टॉप लॉस के साथ। 385 के स्टॉप लॉस के साथ एक्युमुलेट करने की सलाह है। एलएनटी में अच्छी तेजी है, और अच्छी तेजी कुछ दिनों से बन रही है, और ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आ रहे हैं। इन्होंने इनको बिल्डिंग्स और फैक्ट्री कारोबार के लिए 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के रेंज में ऑर्डर मिला है। एलएनटी आज 1900 रुपये के पार फिर से निकला है। अजीत, ये वाली जो तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों से, इसको 2000 के पार ले जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए अभिषेक काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज था, एक एक छोटे से फ्लैट पैटर्न में जिसे हम बोलते हैं टेक्निकली, एक पॉज जो इंडिकेट करता है उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था। इसका ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला और आज इसका फॉलो अप मूव है, तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और 2050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1870 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशन डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 1870 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाने की सलाह मिल रही है। लेकिन अब